जी। अच्छा, हमने जो अभी देखा था वो हम देख रहे थे प्रीवियस वन सेशन के अंदर कि हम मल्टीपल कलर भी असाइन कर सकते हैं। और जाते जाते मैंने ये बात कही थी कि अगर आप लोग जो है हर एक अलहदा नंबर को भी डिफरेंट कलर असाइन करना चाहें तो आप वो काम भी कर सकते हैं। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि आप उसको मल्टी कलर भी असाइन कर सकते हैं। इवन कि मैंने कहा था कि आप कलर मैप भी यूज कर सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन होती है कि जैसे आप लोगों ने वो CSS और कलरिंग के लिए आप लोगों को साथ एक बार नजर आ रही होती है, उस बार के अगेंस्ट जैसे आप लोग शो करते हैं, तो वैसे भी इसके अंदर किया जा सकता है। ट्राई कर लेते हैं, कोई कलर बार अगर वो शो कर दे तो ठीक है, नहीं करेगा तो वो तो उसकी मर्जी है फिर। अच्छा, मैंने उसके लिए करते ऐसे होते हैं कि ये हमारे पास एक था प्लॉट वन प्रीवियस लिखा ही आ रहा है, ये हमने लिया हुआ था। ठीक है, ठीक है, हमने एक्स और वाई दोनों बता दिए। अब बेसिकली हम जो कलर बताते होते हैं ना, हम सपोज कलर उसको बता देते हैं कि हमारे पास कलर कौन से हैं। इसके अंदर भी आप लोग मुझे ये बताइएगा, मैं टोटल नंबर 11 है ये, उतने मुझे कलर बताने पड़ेंगे। वो गड़बड़ हुई तो फिर वो मसला है, फिर वो एरर शो करेगा। फिर जी, दोनों में दोनों में 11 है। जी ठीक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ओके, ये मैंने सपोज कलर ले लिया। कहाँ तक लिए मैंने? टी सबसे बड़ा नंबर है, 11 है ना। ये सबको देखिएगा जरा, नंबर काउंट कर लिया, 11 होने चाहिए। अच्छा चले, ये हमने कर लिया। अब मैं प्लॉट स्कैटर वो फिर स्कैटर करना चाह रहा हूँ एक्स वाई, और साथ में उसको बता देता हूँ कि भाई अपने कलर जो है वो हमने यूज किए हैं। तो अच्छा, और इसके लिए जो हम बेसिकली जो शॉर्ट फॉर्म यूज करते होते हैं कलर मैप के लिए, उस सी मैप हमने लिखा, और सी मैप की जो हम यहाँ इसके लिए जो बिल्ड हम यूज करते होते हैं ना, वैलिड यूज करते हैं इसको, एक बार मैं चला लूंगा और बताता हूँ। कलर और कलर्स, इसके अलावा क्या गलती हो सकती है? ठीक, अच्छा जी, वो सिंटैक्स की गलती थी। अब बेसिकली मैंने किया ये है कि मैंने हर पॉइंट के ऊपर डिफरेंट कलर असाइन कर दिए थे, 0 और 19। अब मैंने जो हाईएस्ट नंबर दिया था ना, यहाँ देखिए मैंने 80 दिया था, अब उसने उसके मुताबिक मुझे बार वो बता दिया यहाँ। इसलिए है कि बेसिकली हमें पता चल जाए कि यहाँ से ये 80 जो पॉइंट है, यहाँ से हम देख सकते हैं कि उसने सबसे लास्ट पॉइंट ये जो नंबर है 80 इसको रिप्रेजेंट किया, वो हाईएस्ट नंबर ये है। तो आप इसी तरह से भी जो है उसको नंबरिंग डिफाइन कर सकते हैं कि आपको नजर आ जाए कि इसमें कौन कौन से कलर क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बेसिकली ये कलर मैप होता है, कलर मैप के थ्रू आप लोग इस तरह से उसको वैल्यूज को आप लोग शो करते होते हैं। तो ये थोड़ा सा इजी कर देता आप लोगों को काम ये। यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को?
बच्चों वही काम जो मैंने कहा था कि आप हर पॉइंट को मल्टीपल कर और असाइन कर सकते हैं, यही काम आप लोगों ने यहाँ किया। ठीक है, इवन देन कि आप लोग हर कलर का, इवन देन का साइज भी कलर का आप लोग चेंज करना चाहें ना, वो भी आप लोग काम कर सकते हैं। जहाँ मैंने ये लिखा था ना, कलर्स मैंने लिखा है, अगर इसकी जगह मैं साइज कर देता हूँ, एक मिनट, साइज किया मैंने इसको, मैं कलर नेम इसको साइज में डिफरेंशिएट करता हूँ, साइज, अब चेक करते हैं कुछ आपको डिफरेंस फील हो रहा है कि नहीं, किसी से बड़ा डिफरेंस फील होना था, कलर तो एक ही आना था। ये बेसिकली आप लोगों को इसका जो साइज इनका, ये जो आपको कुछ कम साइज के हैं, कुछ बड़े साइज के हैं, डिफरेंट साइज के उसने आपको पॉइंट शो किए हैं, तो ये बेसिकली आपको उसके मुताबिक है। मैं अगर यहाँ कुछ कुछ वैल्यू काफ़ी बड़ी कर दूँ, सपोज मैं 80 को 380 करता हूँ ना, शायद आप कुछ डिफरेंट नजर आए आप लोगों को, ये देखें इस तरह से। तो आप लोग बेसिकली करते ही हैं कि समटाइम आपने साइज के अकॉर्डिंग भी पॉइंट्स को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज़ कर लेते हैं, कि आपने को ऑर्डर को साइज आप नीचे डिफाइन कर लेते हैं कि अगर मतलब कि ये साइज होगा तो उसका इसका मतलब ये है, इस तरह से। या विजुअलाइजेशन को आप इम्प्रूव करने के लिए भी आप लोग ऐसे कर सकते हैं। इवन देन कि आप लोग ये जो कलर है इनके अच्छे से आप लोगों ने इसमें यूज़ किया वर्ड के अंदर, ट्रांसपेरेंट उसको करने के लिए, मजीद उसको अच्छा करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए भी उसको आप लोग कर सकते हैं। अगर उसको मैं करना चाहूँ साइज के अलावा, मैं अगर लिखता हूँ 0.5 सेट कर देता हूँ, ये देखें उसने आपको उतना वो ट्रांसपेरेंट करके शो कर दिया कलर्स के जो साइज, वन करके देखो उतना ज्यादा ट्रांसपेरेंट कर दिया। तो आपने वो देखना होता जितना आप लोगों के लिए वो सीख हो और इफेक्टिव भी हो, आपको विजिबल भी अच्छा नजर आ जाए। ठीक है, तो आप लोग अगर मल्टीपल कलर साइज आप शो करना चाहें, जैसे भी आप लोग करना चाहें, कलर कम्बिनेशन बहुत ज्यादा अवेलेबल होते हैं, जितना चाहें आप लोग उसको बेहतर इम्प्रूव वर्जन में आप लोग शो कर सकते हैं। ये तो आपके विजुअलाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता ही है। अच्छा, इसी तरह से हम जो बार का काम करते होते हैं, अगर हम इसकी बार शो करना चाहें तो हम उसको जो है वो बार्स भी शो कर सकते हैं। बार्स हम किस तरह से शो करेंगे, सपोज अच्छा बार शो करे वो हमें एक्स एंड वाई, ये देखिए उसने आपको बार शो कर दिया, लेकिन इसमें आपको समझना पड़ेगा 0 1, समझ आ रही है कि क्या कैसे शो किया उसने, नहीं समझ आ रही। 0 पे 3 है, 1 पे 8 था, फिर इस पे 2 पे 1 है। तो अगर आप उसका बार के फॉर्म में शो करवाना चाहें तो आप लोग उसको बार के फॉर्म में भी शो करवा सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप लोग उसको किस तरह से शो करना चाहते हैं। ये तो हमने बार शो की थी, बेसिकली हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में अगर बार शो करना चाहें हम, बार को मैं हॉरिजॉन्टल करूँ तो ये आप लोग ऐसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में शो कर देगा। बाय डिफॉल्ट आप लोगों को जो ये शो करता होता है वो आपको वर्टिकल शो करता होता है। हाँ जी, बाय डिफॉल्ट आपको वर्टिकल शो करता है। मतलब आप बार के कलर भी चेंज करना चाहें, जस्ट उसी तरह जैसे हमने पहले काम कर रहे थे, जस्ट आपने यहाँ जाके सिंटेक्स के अंदर ही उसको कलर डाल दें, आप कलर उसको कह दें भाई कि हमें रेड पसंद है, ब्लू पसंद नहीं है, तो आप लोगों को उसको चेंज कर देगा। कलर्स नेम के साथ आप कुछ भी, कुछ अच्छा सा नेम बताएं जो आप लोगों को पसंद है कलर। अगर आपको हेक्सा का नंबर लिखना चाहें तो हेक्सा के नंबर से कर देगा। इसकी भी अगर आपको विच बताना चाहें, सपोज विच है इसकी 0.2। अच्छा जी, गलती है क्या? अब भी मसला है,
चलो नहीं शो करते, आसान हल यही है, जहां गलती आ जाए वहां उसको ना शो करें। बहरहाल ये मतलब कि बीच भी शो कर देता अच्छा होता वैसे ये, इवन आप बार को हाइट को शो करना चाहें तो आप बार की हाइट को शो कर देते हैं, लेकिन उसने विथ को नहीं शो किया तो हाइट को कैसे शो करेगा, क्यों नहीं शो किया। ये देखा करें कहीं मैं स्पेलिंग की गलती तो नहीं करता कहीं, या कहीं लिखते हुए प्लॉट, अच्छा या हो सकता है इसमें ना करता हो, बार कर एक्स वाई और विथ उसको मैंने बता दिया। अच्छा ठीक है, हॉरिजॉन्टल में फिर शो नहीं करता शायद, तो इस तरह से आप लोग उसको करवा सकते हैं। ठीक है, ये भी साथ ध्यान में रखा करें कि कौन सा जो सिंटैक्स है किस फॉर्म में चलता है किस पे नहीं चलता। जैसे मैं हॉरिजॉन्टल में शो कर रहा था तो उसने वो एप्लीकेबल ही नहीं है हॉरिजॉन्टल के अंदर, जब उसके मैंने वर्टिकल पोजिशन नहीं किया तो वो विथ वाला उसमें अप्लाई हो गया। अच्छा हाइट का भी फिर शायद इसी के अंदर हो जाता हो, हाइट के स्पेलिंग यही होते हैं या ये ई के साथ है। या हॉरिजॉन्टल के साथ हाइट आता होगा। ठीक है, जो विड्थ था वो अप्लाई हुआ वर्टिकल के साथ और जो हाइट वाला था ये अप्लाई करते हैं हम उसको हॉरिजॉन्टल के साथ। ये भी आप लोग उसको मेमोराइज रखें। अच्छा इसी तरह से एक हिस्टोग्राम कंसेप्ट होता है, हिस्टोग्राम बेसिकली जो हम यूज करते होते हैं वो फ्रिक्वेंसी को शो करने के लिए, जिसके डिस्ट्रीब्यूशन फ्रिक्वेंसी जैसे आपने यूज पढ़ी हो, जैसे हमने बिल्कुल स्टार्ट के लेक्चर में स्टैट के कंसेप्ट देखे थे, वहां मैंने बताया था कि आप हिस्टोग्राम कहते किसे हैं, कि ये आप बेसिकली आप लोगों को ये फ्रिक्वेंसी शो करता होता है कि नंबर ऑफ रेपुटेशन जो है ना किसी एक स्पेसिफिक इंटरवल के अंदर वो शो करता होता है। अच्छा हिस्टोग्राम के लिए जो हम यूज करते हैं कंसेप्ट वो हिस्टो के कीवर्ड के साथ हम करते हैं, लेकिन उसके लिए इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ जी। अच्छा रैंडम नंबर का कंसेप्ट मेरा ख्याल आप लोगों ने देखा होगा, ये सुना होगा, तो वो रैंडम नंबर जनरेट कर देता है जितने मैं उसको बताऊंगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने डिफरेंस के साथ नंबर आप जनरेट करो। रैंडम डॉट नॉर्मल, मैं उसे बताता हूँ कि आप नंबर जनरेट करो 170 से 10 और 40। टेन स्टैंडर्ड डेविएशन 10 के साथ और ये 10.histo वैल्यू उसकी क्या है एक्स। ठीक है वो देखें जिस तरह से मैंने उसको जो वैल्यूज पास किए हैं 170 से लेके 170 से टॉप 40, लेकिन ये है 1। अच्छा तो रैंडम नंबर जनरेट उसने किए हैं। अच्छा 10 डेविएशन है स्टैंडर्ड डेविएशन तो माइट भी यहाँ वैल्यू आती हो, ये आप चेक कर सकते हैं। वैसे मेरा ख्याल है कि ऐसे होता है जब जब रैंडम नंबर आप जनरेट करते हैं 10 की डेविएशन के साथ, तो फिर ये क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन है मैंने लिखा हुआ है तो उस जो है ना वैल्यू ऊपर नीचे आती है। बस जो कंसेप्ट बात समझाने की थी वो मेरा ख्याल आप लोग समझ गए हैं कि वो किस तरह से काम करता है। देखिए मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन कम किया 5 किया तो वो 155 पे उसको ले आया, उसको मैं अगर 1 2 कर दूंगा तो मजीद उसको काम कर देगा वो। हिस्टोग्राम का कंसेप्ट भी आप लोग बच्चों यूज करते होते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए, आपने जहां शो करना होता है अपने डाटा को तो उसमें आप लोग यूज करते हैं इस तरह से। अगर आप लोग हिस्टोग्राम पे शो नहीं करना चाहते, आप लोग पाई चार्ट में शो करना चाहते हैं तो पाई चार्ट के अंदर भी आप लोग शो कर सकते हैं। पाई चार्ट में शो करने के लिए आप लोग जस्ट पाई का कंसेप्ट यूज करते हैं। यहाँ मैं एक उसको अरे अपनी बता देता हूँ, सपोज 100 नंबर्स मैंने पूरे करने हैं, मैं उसको बताता हूँ कि मेरे पास ये 15 है और 45 है, कितने हो गए 60।
और 20 एंड 20, इसको मैं कह देता हूँ जी कि ये y को शो करो x। क्या गलती है यहाँ, आप लोग देखते नहीं ये ब्रेसेस आ रही है? ठीक है, तो उसने मुझे उसी नंबर्स को उसने 100 में शो कर दिया है। मैं सपोज यहाँ 20 ले आता हूँ, 120 हो गई है, यहाँ से 20 कम कर देता हूँ, ये 25। ठीक है, उस तरह से वो आपको खुद ही ऑटोमेटिकली डिफरेंट कलर्स के साथ आपको वो शो कर देगा। हाँ जी, यहाँ तक कोई इशू? इवन अगर आप इसको भी लेबल देना चाहें तो आप लोग उसको भी लेबल्स आपने दे सकते हैं। बच्चों यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप लोग पूछें। इवन का आप इसको नाम असाइन करना चाहें लेबल्स के लिए वो साइन कर सकते हैं। मैं जस्ट आपको लिख के बताया था, मेरे पास ये 5 थे तो मैं इसको एक लेबल लगा देता हूँ। लेबल कैसे लगाएंगे? लेबल के लिए आप सपोज उसको नाम बताना चाह रहे हैं, 5 थे ना, आप कह देंगे अल्फाबेट ए है और बी सी, बस ये डी है, लास्ट वन आपके पास चुकी है। ई को क्यों उसने से चुकी है? ई का एरर दे रही है। बहरहाल एक सर डी पे कोटेशन नहीं है सर, डी की कोटेशन। अच्छा ठीक है, मैं उसको सही कर देता हूँ। लेबल मैंने क्या रखा था इसका, लेबल का नेम चेंज कर देता अब। ठीक है, अच्छा लेबल का नाम रखा है एक्स लेबल। अच्छा अब भी मसला है, लेबल्स ना कीबोर्ड यूज होता हो। चेक करें यहाँ कहीं गलती है फिर। हमने ऊपर कितने लिया था, 1 2 3 4 5, नीचे भी हमने 5 लिया हुआ। ब्रेसेस भी सी एंड कॉमा नहीं लगा। हाँ कॉमा नहीं, सही है, बिल्कुल सही। अब ठीक है, जो हम आप नाम असाइन करेंगे वो आप लोगों को उस तरह से वो उसको शो कर देगा। यहाँ तक को आप इशू है तो काइंडली आप लोग पूछ ले, यहाँ तो कोई इशू तो नहीं है किसी को? अच्छा चलो, इसके बाद एक एक्सप्लोर का कंसेप्ट होता है, वो बेसिकली आप कहते हैं कि अलग अलग आपको थोड़ा सा डिस्प्ले करके शो करें। एक्सप्लोर के लिए हम यूज करते होते हैं, मैं कहता हूँ जो मेरे पास पहला है ना उसको 0.3 पे रखे, दूसरे को 0.1 पे और बाकी को 0 सेट कर देता हूँ, 4 एंड 5। लेबल्स हो गए और एक्सप्लोर के अंदर नाम रखा था मैंने एक्सप्लोर EXPLODE। ठीक है, अब देखें
ये जैसे जैसे मैंने उसको शो किया था नंबर दिए तो उसने उस तरह से 1.03 रखा था तो उसने ज्यादा शो कर दिया। देखो सपोज मैं इसको 0.4 करता हूँ ना, क्या मतलब बहुत ज्यादा ही हो गया 0.4, अच्छा पूरा 4 हो गया। अच्छा ये था बेसिकली 0.4। सर वैल्यूज डली हुई हैं आपने, ठीक हो गई पूरी वैल्यू सर, ठीक है यहाँ तक ठीक है आप सबको। आप इसमें कोई शेडोज लगाना चाहें कुछ भी करना चाहें आप लोग, अगर शेडोज आप लगाना चाहते हैं तो आप लोग उसमें शेडोज को ऐड कर सकते हैं मजीद को कलर इसको करने के लिए। शेडो का स्पेलिंग इक्वल टू ट्रू करते हैं इसको, देखें ये हल्का सा शायद आपको शेडो नजर आ रहा हो शायद, तो ये इस तरह से आप लोग उसको कर सकते हैं। कलर्स आप लोग अपनी मर्जी का साइन करना चाहें, हर किसी को डिफरेंट कलर साइन करना चाहें, इनको अपनी मर्जी को कलर साइन करना चाहते हैं तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। यहाँ दो क्वेश्चन है तो बच्चे पूछ रहे हैं आप लोग। सर काफी आज के, वेरी गुड, और कुछ? जी प्लीज इतना ही सर, चले मैं जल्दी खत्म कर देता हूँ। अच्छा एक और चीज होती है कि समटाइम आपने देखा होगा कि सबको इसको जीरो कर देता हूँ, ये इसको मैं खत्म कर देता हूँ, कि समटाइम उन्होंने किया ऐसे होता है कि आप लोग उस पर लेख जाते हैं ना तो आपको शो करता है। ये क्यों स्ट्रगल क्यों शो कर रहे हैं? ठीक है मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आप एक लेजेंड का कंसेप्ट होता है इसके अंदर डॉट, ये देखिए कि इसने आपको शो कर दिया ए बी सी डी, मतलब कलर शो कर दिए तो वहां से आपको पता चल रहा है कि ये किस कौन से कलर किस पर्पस के लिए। अगर आप लेजेंड को कोई हेडर देना चाहते हैं जी कि सपोज कई जो कलर्स हैं 5 कलर्स हैं तो आप उसको बता सकते हैं कि हमारे पास जो है ना ये कितने कलर्स हैं इस लेजेंड के अंदर, आप लोग बता दें सपोज को टाइटल देना चाहते हैं टाइटल इज इक्वल टू आपके पास 5 कलर्स हैं बता दें उसको 5 कलर्स। तो उसने उसको भी इस तरह से शो कर देगा। अच्छा मैटप्लॉटलिब के अंदर जो कुछ करवा दिया है यही सब कुछ है जो कि आप लोगों के काम के लिए यही यूज होता है। मैटप्लॉटलिब आप लोगों की यहाँ खत्म हो गई है, आप लोगों को यहाँ तक है, फर्दर इसमें जितनी कम्प्लेक्सिटी आप लोग ऐड करते चले जाएं वो ऐड की जा सकती है, लेकिन यहाँ तक जो हमने किया है हमने बड़ा एक जो है बिल्कुल स्क्रैच जीरो से स्टार्ट करके उस तमाम उसके लेवल्स को कवर किया है। तो मैंने कोशिश ये की है कि आप चीज़ें सारी उस तरह की आपको बताई जाएं जो आप लोगों की समझ में भी आए इजीली आप लोग इंप्लीमेंट भी कर पाए। तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को, कोई मसला है तो काइंडली आप लोग पूछें। सर लेजेंड के अंदर जो बैटल लिखा है उसकी लोकेशन किस तरह से चेंज की जा सकती है? लोकेशन का पता नहीं क्योंकि सर्कल की फॉर्म में है तो शायद कोई एंगल का यूज करके शायद कर लें शायद, जी ठीक है, वरना मेरा ख्याल है कि ऑटोमेटिकली ये यहाँ शो करेगा बाय डिफॉल्ट ऊपर या उसको वो चेक करेगा, अगर इसमें हमको टाइटल नहीं देना चाह रहे तो फिर ऊपर शो कर देगा वरना नीचे शो कर देगा जैसे उसने पहले किया था, मेरा ख्याल जो है ये आपको इम्प्लीमेंट करके देखना पड़ेगा। तो जहाँ मेरा ख्याल शायद शेप में जहाँ एडजस्ट हो रहा हो वहाँ शो करे वो, मेरे पास ऊपर शो हो रहा है इधर आपकी स्क्रीन पे नीचे शो हो रहा है, तो पहले बस ठीक है अभी ये ऊपर ही शो, ऊपर शो हो रहा है ना, मैं जो उसको टाइटल लिखा था फिर वो नीचे गया है। हाँ जी मेरे पास टाइटल के साथ भी ऊपर ही शो हो रहा है, वो फिर हो सकता है क्योंकि यहाँ आप जुपिटर नोट यूज कर रहे हैं, इसी को यूज कर रहे हैं जी जी
यही यूज कर रहा हूं। हां तो हो सकता है कुछ इश्यूज हो या माइट बी पोजीशंस आपको फर्क हो। हां जी, किसी और बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछेंगे। हां जी किरण बच्चे पूछें, कुछ समझ आ गई है कि नहीं आई? जी सर, ये पूछनी थी मैट प्लॉट लिया, ये एक लेडी है और पाई प्लॉट जो है ये क्या है? इसके अंदर मैट लिब में से इसको स्पेसिफिकली हमने इंपोर्ट किया है ना बच्चे, ये सब मॉड्यूल है ना। देखें कुछ यूटिलिटीज अच्छा। होती हैं, कुछ मेन चीजें होती हैं, रिसोर्सेज जो कि एक चीज के अंदर अवेलेबल होते हैं। तो ये जो हमने यूज किया ना कि हमने ये इसके अंदर जो पाई प्लॉट है ये उसका सब मॉड्यूल है मैट प्लॉट लिब का। इसके अंदर मोस्टली जो फंक्शनैलिटी इसके अंदर अवेलेबल है ये जो मैं आज काम किया ये सारी पाई प्लॉट रिलेटेड है, मैट लिब इटसेल्फ है, ये ब्रॉड इसका भी सारी थी। आपकी आवाज ब्रेक कर गई है, आपने शायद ये कहा है कि मैट प्लॉट लिब के अंदर हमने एक स्पेसिफिक मॉड्यूल पे काम किया है। जी मैं ये पूछना चाह रही हूँ हमने स्पेसिफिक मॉड्यूल किया है, मैट इटसेल्फ एक बड़ी लाइब्रेरी है, इसके अंदर भी काफी सारे मॉड्यूल हैं। जो वैसे जो यूज होता है इंडस्ट्री के अंदर जितना काम होता है वो मोस्टली यही है, मैटप्लॉटलिब के अंदर यही काम होता है जो मोस्टली लोग जो कहीं ना कहीं यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि वो मोस्टली उनका काम पाई प्लॉट का ही होता है। आप भी समझ लें कि मोस्टली काम जो है ना हमने तीन सेशन में ऑलमोस्ट कवर कर लिया, यही काम है। हाँ अब वो रिक्वायरमेंट डिफरेंट आती जाती है, फिर कम्प्लेक्सिटीज डिफरेंट आती जाती है, फिर हमें सोचना पड़ता है कि इसमें सिंटैक्स क्या होगा, क्या चीजें होंगी, चीजें यही इम्पोर्ट होती हैं। आप सपोज मैटप्लॉट लिब को इम्पोर्ट कर लें और नमपाई को कर लें, हो सकता है सम टाइम को पांडास की रिक्वायरमेंट आ जाए तो आपको पांडा भी साथ इम्पोर्ट करना पड़ जाए। ठीक है, हमने कल काम किया था उसमें जो हम लाइब्रेरी इम्पोर्ट में ये और आगे वाली जो आपने कोड लिखा ये नहीं था, इसका मतलब है क्या? ये जो था मैटप्लॉट लिब इन लाइन। जी जी अच्छा ये भला क्या है? अच्छा मैं इसको खत्म करूंगा ना, ये मैंने इसको इसलिए कहा है कि भाई ये जो कोड का सिंटैक्स है ना इसके वैल्यू डाउन नीचे मुझे शो कर दो, अलग कहीं जाकर शो ना करना मुझे, रिजल्ट मुझे साथ साथ नीचे शो करो। अच्छा ठीक एक मिनट। अब मैं चेक करता हूँ जरा, वो फर्क नहीं आया वैसे, एक लाखन तो आ जाना चाहिए था। चलें कभी आप लोग इसको बगैर कीजिए, मेरा ख्याल फर्क आता लाजमी। ये माइट भी जब आप लोग उसको जो है सब प्लॉट में जाएंगे कहीं जाएंगे ये चेंजेस आती होती हैं, इसके थ्रू ये होता है कि आपको वहां ही वो शो कर देता उसके अंदर ही। ठीक है अगर इन केस नहीं कुछ करेगा तो उसके बगैर यूज कर ले आपने नीचे से लास्ट वाली जो लाइन है उसमें फंक्शन लिखा हुआ है शो का, अगर इस अगर नहीं लिखते हम तो भी ये होता है लेकिन उसके ऊपर कुछ लाइंस लिखी जाती हैं, तो ये को फंक्शन जो कि हम अगर हम फॉर एग्जांपल नहीं लिखते तो भी आउटपुट आ रहा है। ठीक है इसको रेस कर चेक करेंगे। जी ये असल में मैंने इससे ना काम किया उसके ऊपर ना, आपने शायद नाम सुना हो मैटलैब का, तो मैटलैब सॉफ्टवेयर है ना उसके अंदर हम डॉट शो यूज करते होते हैं, डॉट शो के थ्रू शो करता होता है, इसलिए मैंने डॉट शो लिखा था। तो डॉट शो के साथ मैं शायद वो जब आप इसको थोड़ा सा कम्प्लेक्स या नंबर ऑफ लाइन से कोड इंक्रीज करेंगे तो शायद आपको शो करे वो उसका कोई बेनिफिट हो, क्योंकि जैसे इसमें साथ आपको शो किया लाइंस होती है तो फिर अगर हम शो का फंक्शन नहीं लिखते तो ऊपर ये एक लाइन है ना लिखी फिर वो सात आठ लाइन आ जाती है। हां तो फिर उसके लिए फिर हम जो है डॉट शो का फंक्शन यूज कर लेते हैं। ठीक थैंक यू सर।